ऐसा है क्यों आप लोग जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा क्या चला रहा है तू एकदम दो घंटे के अंदर ही पहुंच गए मथुरा आधा रास्ता के लिए कंप्लीट हो गया हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जॉय जगन्नाथ। अभी हम लोग चंडीगढ़ के बाईपास में कहीं पे हैं, मोहाली में, ठीक हाईवे के ऊपर हैं। सिटी इन बोल के होटल का नाम है और बहुत ही बढ़िया होटल है। होटल इसलिए अच्छा, पार्किंग बहुत बढ़िया है, रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, बाकी प्राइस भी बहुत बढ़िया है। 1400 रुपए एक रूम का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्राइस है। और लोकेशन एक्चुअली बहुत बढ़िया, पूरा हाईवे के ऊपर है, जीरकपुर। आप मोहाली से क्रॉस करोगे, जीरकपुर एक लोकेशन है, जीरकपुर के हाईवे के ऊपर ही है लोकेशन। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आज का जो राइड है वो काफी मतलब टफ लंबा होने वाला है। 789 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस लखनऊ हम जा रहे हैं, करीबन 800 किलोमीटर हमको राइड करना है। 800 किलोमीटर ऑलमोस्ट 12 आवर्स का राइड है। हाईवे है, हाईवे है, एक्सप्रेस वे भी मिलेगा। बहुत 800 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, 600 किलोमीटर लेकिन एक्सप्रेस वे मिलेगा। निकलेंगे हम लोग, बहुत लेट निकले, आज 11 बज गया ऑलरेडी। टफ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पहले कभी किए नहीं है। यहाँ से 200-250 किलोमीटर दिल्ली है, एक बार दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे, फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि निहायत ही बोरिंग एक्सप्रेस वे है। 100 के स्पीड में चलाओ, कुछ नहीं है, सीधा स्ट्रेट रोड, मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो रोड। पीयूष प्रॉमिस किया मेरे साथ जाने के लिए। हाँ, तो क्योंकि कहा गया है कि मुझे खाना पीना सब मिलेगा फ्री में। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, तो मिस्टर स्पीड स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनके साथ हम दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि वो दोनों उड़ाने वाले हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है यार, मतलब हार्डली 10-15 मिनट का गैप रहता है। 10-15 मिनट का गैप रहेगा, और कितना स्पीड में जाएंगे वो लोग। और एक चीज है, 800 किलोमीटर मतलब अगर आप 100 के स्पीड में भी जाओगे तो 8 घंटे लगेगा। यहाँ पे 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 12 घंटा तो लगेगा, लग जाएगा। तो रात के 11-12 बज जाएगा। ये भी उस टाइम भी जब जाएंगे हम लोग, भी हाईवे के बगल में के भी होटल रखेंगे, ताकि हमको कल भी सुबह निकलने के लिए इजी हो। तो हियर कम्स ब्लेड रनर, हाय, सो बिग सैल्यूट टू चिचिन। लेकिन अभी है मतलब असली आपका जो पेशेंस का टेस्ट अभी से स्टार्ट। मेरा तो बैंड बजने वाला है, बिकॉज ये वैसा वाला टाइम है। आपने एक घर में पार्टी दिया, खाना वाना पीना सब कुछ हो गया, अब सब मेहमान चले गए, आपको बर्तन धोना है, तो ये वैसा साफ करना है। यस, 780 किलोमीटर, भयंकर गर्मी झेलना पड़ेगा। हाईवे पूरे एकदम हाईवे के बगल में है हम लोग। होटल का नाम है सिटी इन ग्रैंड। जिस रास्ते से कल आए थे उसी रास्ते जाना है, क्योंकि उधर से आगे से रास्ता बंद है, तो आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। जाना इधर ही है उस तरफ, अनदर 242 किलोमीटर। लेकिन हमको दिल्ली नहीं जाना है, हमको जाना है लखनऊ। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बढ़िया एग्जॉस्ट दिखाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ऐसा एग्जॉस्ट आप लोग जिंदगी में कभी देखे नहीं होगा। आपको आवाज़ तो आ रही होगी शायद, बाप रे वो उड़ा रहा है भाई। अरे तो भाई ये मिस्टर स्पीड तो वो है भाई। अरे पीयूष देख के भाई, क्या इनोवेटिव आइडिया, नहीं भाई साहब, भाई उड़ा रहा है वो। पीछे जो बंदा बैठा है उसका गिर पड़ के हाथ में आ गया होगा। ओए भाई साहब क्या चला रहा है भाई, ये मर जाएगा। देखिए ये जो सामने जो सिटी हंड्रेड जा रहा है, जब उसका एग्जॉस्ट आप देखिए, क्या चला रहा है वो। ए गया 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 गया। अरे वो किसके ऊपर चढ़ा है, देख देख देख, पागल हो गया बंदा। आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। देखा कि नहीं, बस साइड मारा वो सीधा ऊपर चढ़ा दिया। पानीपत 106, कर्नल 67, दिल्ली 199, 100-110 के अंदर रख रहा हूँ। तो हम लोग
पहुंच चुके हैं कर्नल, एक्चुअली कर्नल से काफी आगे आ चुके हैं, अनदर 120 किलोमीटर टू दिल्ली, दिल्ली अनदर 95 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी तक हम हरियाणा में ही हैं। ये पानीपत है क्या? तो वी हैव रीच्ड पानीपत। ओह माय गॉड, हेड बकरियां। हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ से अराउंड 10-15 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ पे पेट्रोल फिल अप करेंगे और साइड में कोई ढाबा होगा तो वहाँ पे खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि इस ऑलरेडी 2 और अच्छा खींचे हम लोग, 240-250 किलोमीटर बढ़िया खींचे हैं, बढ़िया खींचे ना पीयूष, जबरदस्त खींचे। ऑलमोस्ट 12 बजे निकले थे, 11:30-11:45 अराउंड निकले थे, एंड 2 बजे ऑलमोस्ट दिल्ली, 10-12 किलोमीटर पहले हैं। 1 घंटा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे, शायद यही वाले ढाबे में हैं लोग। 3 बजे हाँ यहीं पे आके गाड़ी लगी हुई है, लगी हुई क्या? 96। अबे तेरा 800 का गिरा, मेरा 880 रुपए का गिरा, 110 पे चलने से भी होता है। लोग कितना टाइम पहले पहुंचे? 15 मिनट, 10-15 मिनट बोलता है। हाँ हम लोग ने 110 से नीचे नहीं किए, कंटिन्यूअसली 110 में। दिल्ली से ऊपर जब आप चढ़ोगे तो मतलब नॉनवेज होटल का ऑप्शन ज़्यादा नहीं रहता, सब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, खाना बढ़िया रहता है। हमको बड़ा नॉनवेज खाने का मन था, देखेंगे मथुरा में थोड़ा चिकन केएफसी वेएफसी है, देखेंगे। बस सोया चाप पहली बार खाने वाला हूँ मैं, बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक चिकन ये है ना, सोया मतलब जो हम लोग सोयाबीन होता है वही ना, लेकिन साइज में बड़ा है। चिकन का फ्लेवर जैसा लग रहा है, लग रहा है तड़का डाल है। ओके, तो बढ़िया जगह में हम लोग थे, यहीं से हमको लेफ्ट लेना था, अभी डायरेक्ट निकलेंगे। ये आउटर रिंग रोड है दिल्ली का, और ये डायरेक्ट जाके पहुंच जाएगा हमको यमुना एक्सप्रेस वे। तो नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो है मथुरा, जो कि यहाँ से अराउंड 204-205 किलोमीटर है। तो ये जो रास्ता है ये पूरा जाके निकलता है यमुना एक्सप्रेस वे को लगता है, शायद ग्रेटर नोएडा के आसपास। हाँ, मेन ट्रैफिक को बाईपास कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा जो होगा वो मथुरा होगा, 2 घंटा लगेगा, 2-2.5 घंटा लगेगा। अभी बज रहा है 3:45, ये पूरा हमको अभी लखनऊ तक ऐसे ही रोड मिलेगा। मुझे यमुना एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों साइड में थोड़ा बहुत पेड़ वेड़ है, एमिनिटीज़ है, वो थोड़ा नज़दीक नज़दीक है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। गाजियाबाद को सीधा 3 किलोमीटर एग्जिट दिखा रहा है, नोएडा का आउटर तो गाजियाबाद है और क्या, नीचे की तरफ से जाएंगे ना, ग्रेटर नोएडा राइट लिखा है ना, अच्छे से देख, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। वो पड़ जाए तल पड़ जाए, नहीं ना ना आगरा में सीधा, तो वो कॉलेज NMIS बड़ा कॉलेज था तो अच्छा, ये पड़ जाए हमें ना, तो बढ़िया ग्रीनरी है भाई। राउंड अबाउट लेफ्ट में जाके आगे निकलना है, यहाँ से लेफ्ट कहाँ घुस गए हम लोग, ये वाला लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट। तो इतने खाली जगह कौन बैठी, BIC आउटर रोड है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, BIC आउटर रोड है, BIC है लेफ्ट साइड। ऐसे लेफ्ट जाके ऊपर चढ़ना है, बोलो ट्रक जहाँ से गया उधर से जाना शायद। यहाँ पे पूछ लेते हैं, मैप पर तो दिखा रहा है। हम से देखे ना, ये गाड़ी कहाँ से आएगी? हाँ इधर से एग्जिट है ना, ये समझ रहा है, तो अब समझ में आया तेरे को। आ गए हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे फाइनली, घूम घाम के, लेकिन इजीली आ गए ज़्यादा, मतलब वो नोएडा वाला जो अगर रोड पकड़ता ना ट्रैफिक मिलता हमको थोड़ा, वो भी हाईवे है थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रैफिक मिलता। चलो बढ़िया है, सीधा मथुरा और 100 कितना दिखा रहा है, लेट्स गो। यहाँ से कितना टाइम से हो?
हम लोग बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट लेके आए, पूरा उसके अंदर से आए, बगल में स्टेडियम था, स्टेडियम का अंदर का वाला रोड लेके आए। तुम लोग पीछे की तरफ से आए, हम लोग आगे चले गए थे, आगे से राइड करके तो पानी पी के चलेंगे। आ जा पानी पीते हैं फिर निकलते हैं। आगरा भी कर सकते हैं लेकिन आगरा में कहीं पर रुकने के लिए कहीं जगह नहीं, मथुरा ही लास्ट है, उसके बाद आगे लखनऊ एक्सप्रेस वे में मिलेगा। पूरा ठीक 6 बजे पहुँचे, कैलकुलेशन मतलब परफेक्ट कैलकुलेशन, ठीक 6 बजे पहले पेट्रोल फुल अप करेंगे। ऑलरेडी सुमन और चिचिन तो आके पहुंच चुके हैं, पहले फुल अप कर लेते हैं। बाप रे क्या भीड़ यहाँ पे, ओ वाओ द फूड स्ट्रीट, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल है। तो स्क्रैम का एक है कि आप अगर उसको 60-80 के अंदर चलाते हो करीबन 40 के आसपास माइलेज देती है, अगर 80 से 100 के अंदर चलाओगे तो 30 के आसपास माइलेज देती है, एंड 100 के ऊपर आप चलाते हो 100-120 के बीच में देन ये 25 माइलेज दिखाती है। एकदम 2 घंटे के अंदर ही पहुंच गए मथुरा, आधा रास्ता एक्चुअली कम्प्लीट हो गया बहुत ईजीली बिना कोई थकावट में। तो यहाँ से और जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा हमारा वो आगरा से आगे ही होगा वहीं पे, इटावा में है कोई अच्छा टाइमिंग, मतलब बढ़िया टाइमिंग में हम लोग 400 किलोमीटर के आसपास बिना 12 बजे निकले थे, 6 बजे के अंदर बढ़िया 6 घंटे में 400 किलोमीटर बढ़िया। और हम लोग सब यहाँ पे इम्पोर्टेड पेप्सी पी रहे हैं, एक्चुअली पी चुके हैं, एक ये पी लिया हमने वनीला कोको कोला वनीला, ये दुबई का मनाली मनाली का। तो 7:15 नाउ और अभी हम मथुरा से निकले हैं, तो ऐसे ही रोड है डायरेक्ट इटावा तक जाएंगे। इटावा जो है वो यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी फुल अप कर लेंगे। मैं 110 से 120 के बीच में क्रूज करूँगा मैं और पीयूष, बाकी सुमन और चिचिन वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में क्रूज कर रहे हैं इसलिए वो लोग आगे निकल गए। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, 7:15 ठीक है पीयूष चलिए आगे जैसे कार पर चल जाओ और आगे दिखाना पड़ेगा क्या, ये लास्ट है ना आगरा कितना है 20 किलोमीटर ना गोली मारी हुई है। तो पहुंच गए हम आगरा, मतलब आगरा का ये आउटर रोड है मतलब एक्सप्रेसवे है, यहाँ से राइट टर्न लेने से आगरा की तरफ आप जा सकते हो, बाकी हमको तो जाना है सीधा लखनऊ। लास्ट टाइम हम जो लद्दाख से रिटर्न कर रहे थे 2018 में तब हम आगरा में रुके थे। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे बाइक वालों के लिए फ्री है क्या? नहीं नहीं यहाँ से हाँ एग्जिट है, आगे हमको फिर से हाँ 300 समथिंग आई गेस। हाँ 295 समथिंग अभी हम लोग इटावा में हैं और वी आर ट्राइंग टू सेना टेस्टिंग हो गया, अभी म्यूजिक शेयर करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हे गला रे हो गया मुंह बदल के ना जी बजे तो बजे सीखे पैसा दे बता दे नथिंग इज फ्री पैसा ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे, क्या लग रहा है भाई खूबसूरत। ऊपर लगू थी ना लास्ट लगू लगभग 11:53 है अभी, ठीक 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए लखनऊ, निकले थे वही 12 बजे। 12 घंटे में हम लोग किए हैं अभी तक 800 किलोमीटर, एंड मैं तो बोलूँगा भाई तो 12 घंटे में 800 किलोमीटर जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। हालांकि जब हम निकले थे तब लग रहा था कि आज रात के 2 बजेंगे, लेकिन हम ज़्यादा स्टॉपेजेस नहीं लिए, बस 3 ही स्टॉपेजेस लिए थे और आके पहुँच के
लखनऊ। एक अच्छी बात है कि पूरा एक्सप्रेसवे है, आपको मतलब कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। फिर भी 800 किलोमीटर को गाड़ी चलाना है, वो एक चैलेंज था। आज मौसम थोड़ा सही था, मतलब इतना गर्मी आने के टाइम जैसा गर्मी था उतना गर्मी नहीं था, लेकिन थैंक्स टू पीयूष वो पूरा टाइम मेरे साथ ही था। बाकी इसीलिए हमारा टाइमिंग जो इतना अच्छा रहा। सुमन चिचिन हमारे से बस 10-15 मिनट ऐसे गैप में पहले पहुँचते थे। मज़ा आ रहा है क्योंकि राइड का 10वां दिन है, लगभग हर दिन हम लोग राइड किए, मतलब क्या नो सिर्फ काजा में एक दिन रुके थे, बाकी हर दिन तो हम राइड ही किए। 2.5-3 साल के बाद राइड करके ऐसे लॉन्ग राइड पे आके 10वें दिन पे इस तरह अपने आप को खींचना, वो भी रिटर्न जर्नी में, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग सब बैक टू फॉर्म, बैक टू बिजनेस जो बोलते हैं उस तरह से हो गया। बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इट्स ऑलरेडी टू लेट, 1:30 AM नाउ, तो अभी सो जाएंगे क्योंकि कल हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी निकले, 10 बजे का अराउंड निकल जाएंगे। हम लोग आज खुद 12 बजे निकले थे, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलने से हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे अराउंड 9-10 बजे। लेकिन हम कल सोच रहे रांची निकल जाए, हज़ारीबाग से रांची 100 किलोमीटर खींच सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कल का वेदर कैसा है। इस ब्लॉक को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं अगले ब्लॉक में राइट साइड करके। हम लोग भी इसका गैस बहुत फील करते हैं पीछे जब काट देने वाला